जारा क्या एक्सपीरियंस रहा और ये गाना बारिश की बूंदें कैसे मिला? फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस, आज गाना रिलीज हुआ आपका, सो क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू. और मैं बस नरेंद्र जी ने मुझे कहा कि आप मिलिए जाके शेजूर जी से, उनसे एक बहुत बड़ा गाना करने वाले हैं, तो देख लीजिए अगर क्या बात होती. तो मेरी मुलाकात हुई शेजूर जी से, तो काफ़ी अच्छा रहा मीटिंग हमारा, और उनको भी मैं पसंद आई. मुझे भी था कि हाँ काफ़ी अच्छा एक गाना करने वाले हैं वो लोग, तो बस इस तरीके से हो गया. आपके लिए अपना एक फेवरेट लुक होता है, यू नो एवरीबडी हैज अ फेवरेट लुक इन द सॉन्ग, तो आपका कौन सा फेवरेट लुक है? मेरा फेवरेट लुक वो बारिश वाला ही है, बिकॉज़ क्या होता है कि जब बारिश आती है तो आप ओपन अप हो जाते हो और उसको पूरा इन्जॉय करते हो. एंड इट इज़ द थिंग आई एम वेयरिंग देयर इज़ कैजुअल, तो ऑब्वियसली दैट इज़ फेवरेट. राजीव जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ज़ारा के साथ, आपने कास्ट किया सॉन्ग के लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक मेरे लिए डर तो था शुरू में. डर ये था कि हमारा जो मेल एक्टर सेजवुड साहब थे वो एक्टर नहीं थे, वो भी एक मन में डर था. ज़ारा भी पहली बार कर रही थी, ये भी डर था. और प्रोड्यूसर की तरफ से मुझे गन पॉइंट पे लिया गया था, टाइम लिमिट में मुझे ख़त्म करना है काम. प्रोडक्शन ने भी हमें परेशान किया था शुरू में, हमें जो है हमारी ज़रूरत की चीज़ें काफ़ी लेट किया था. बट जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया तो हमारे दोनों एक्टर ने इतना अच्छा किया कि वो डर मेरा पहले ही सीन में ख़त्म हो गया था. शेजवुड सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए सारा मैम के साथ काम करने का। अच्छा था, क्योंकि जब हम एक सीक्वेंस कर रहे थे इन द नाइट, जो सीक्वेंस था कि बेसिकली वी आर सिटिंग ऑन अ डिनर टेबल, तो वो सीक्वेंस हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे. वी वर टेकिंग टाइम इन द शॉट. फिर राजू जी ने आके कुछ ज़ारा के कान में बोला और वो सीक्वेंस अच्छे से फाइनली हो गया. तो एक्सपीरियंस यही है कि कम टाइम में जब आपको चैलेंज होता है और अच्छा काम करना होता है. गाना बहुत अच्छा था, तो हम लोगों के दिमाग में ये चैलेंज था कि वो वीडियो भी उतना ही सोलफुल होना चाहिए जितना सोलफुल गाना है. और ये राजीव जी का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, जो मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट था बेसिकली. मैं 2007 में जब अपना नॉर्थ इंडिया टूर कर रहा था, मेरे डीजेइंग के शोज़ थे, तो उस टाइम ये एक रियल इंसिडेंट था मेरे साथ, जो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली इस वीडियो में डाला है. तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रिलेशनशिप में कई बार आपका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो भी आड़े आता है. तो कुल मिला के ये था कि एक रियल टाइम सोलफुल हमें गाना करना था, जो कि चैलेंज था, और फाइनली हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है. सर, ये तो ये आपका पहला म्यूजिक वीडियो था, आप फीचर कर रहे थे, आप फीचर कर रहे थे, एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे शूटिंग से जो हम आप ऑडियंस के साथ बताना चाहेंगे कि ये हुआ, जो आपको आप हमेशा याद रहेगा? ज़ारा का तो ज़ारा बताएगी. मैंने आपको जो मेरा था कि हम मॉर्निंग में आई वॉज स्लेस्ट, और मैंने सोचा कि शूटिंग ख़त्म हो गई, तभी राजीव जी की असिस्टेंट मेरे रूम में आती है जब मैं अपना मेकअप उतार चुका था. शी सेड अभी एक सीक्वेंस बचा हुआ है. तो मुझे ऐसा लगा कि अभी एक सीक्वेंस और करना है, एंड आई वॉज लाइक चलो यार जल्दी ख़त्म करते हैं, अभी बहुत हो गया, पूरी रात से हम लोग शूट कर रहे हैं. तो मैं बहुत थक गया था फाइनली. लेकिन जब वो शूट हुआ और लास्ट शॉट के बाद इतना अच्छा फील था कि आई कॉन्ट टेल यू. हम लोग इतने गाने बनाते हैं, क्योंकि ये चैलेंजिंग इसलिए था कि ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे. शूट तो मैंने बहुत किए हैं, पर उधर मैं छोटा फीचरिंग करता था, या तो रैप पोर्शन में फीचर होता था या तो डीजेइंग में फीचर होता था. ये फर्स्ट टाइम था कि आई एम फीचरिंग एज एन मेल मॉडल, तो बहुत चैलेंजिंग था. लेकिन जब हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग. और जब मुझे राजीव जी ने बुला के एडिटिंग टेबल पे नहीं सॉरी आई वॉज ट्रैवलिंग, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो क्लिप भेजा एडिट का, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे इतना अच्छा लगा, आई कांट टेल यू. मैम, आपका एक्सपीरियंस इन दोनों के साथ काम करते हुए? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कोऑपरेटिव थे ये लोग. जैसा कि शेजुर जी ने बताया कि वो एक सीन बहुत टाइम लग रहा था जिसमें वो डिनर टेबल वाला सीन था, तो फिर उसके बाद इन्होंने आके मुझे वो सीक्रेट क्या था बताया जो बाद में ना, सीक्रेट ऐसे था कि ये शूटिंग ये होती है मुझे हमारा एक्टर हग नहीं कर पा रही थी लास्ट एक्टर में जो है. आके पीछे से एक्टर जब कैमरे से स्क्रीन पर आता है तो ये 5 फीट 8 इंच की हाइट 18 फीट की हो जाती है. इतनी छोटी सी आंखें बड़ी हो जाती हैं. दिल से जब आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आंखों पे वो सच्चाई नज़र आती है. तो मैंने ज़ारा के कान में ये जा करके बोला कि आप फील करो कि सामने बैठा हुआ आदमी जिससे आप प्यार करती हो वही है. जब आप दिल में वो फील करोगी तो आपकी आंखों में आ जाएगा, और फिर वो ज़ारा की आंखों में आप लोगों को दिखेगा.
ओके जारा जी, इसके अलावा मैंने दोनों सर को पूछा था कि बारिश की ऐसी कोई मेमोरी है जो आप अगर शेयर करना चाहें, अगर आपकी कोई ऐसी कोई मेमोरी है बारिश को लेकर, तो अगर आप शेयर करना चाहें, और बारिश का कोई ऐसा कोई गाना इसके अलावा आपका कोई पसंदीदा। बारिश की मेमोरी तो मेरी और शेजवर जी की है। इस बारी क्या हुआ कि राम जी का एक गाना रिलीज़ हुआ था, तो उन्होंने एक पार्टी दी थी, तो तब तक बारिश नहीं हुई थी बॉम्बे में, मतलब पहली बारिश थी, और मैं और शेजवर साथ में ही जा रहे थे, तो कार में हम लोग बैठे हुए थे और तभी बारिश स्टार्ट होगी। तो मैंने कहा इनको कि शेजवर, हम लोगों ने बारिश का गाना किया है और इसके बाद इस साल की पहली बारिश हम लोग साथ में ही देख रहे हैं, मतलब किस्मत से, लकीली। तो वही, बस कोई फेवरेट गाना बारिश का जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बारिश का, बारिश बारिश की के तो बूंदे यही यही फेवरेट है, और भी फेवरेट बहुत से। बारिश का तो आई थिंक हर गाना अच्छा होता है, मतलब जो भी अब तक बना है सब ये बहुत ही बेसिकली अच्छा क्या है। है कि ये मानसून और बारिश मूड ही इतना अच्छा कर देती हैं कि जो भी गाना आप इसमें सुनेंगे जो बारिश का है वो भी, और जो नॉन बारिश सॉन्ग होता है वो भी इसमें अच्छा लगता है। तो आप कह सकते हैं कि वेदर ही इतना खूबसूरत होता है कि आपको म्यूज़िक से रिलेट करते हैं आप। आप दोनों से लास्टली एक एक लाइन सुनना चाहेंगे मैम से और सर से, बारिश की बोल रहे। बारिश दे बूंदे जदों, बारिश बारिश दे दे बूंदे बूंदे जदों, जदों पिंड पिंड बिच बिच आंदी आंदी ए, ए, तू तू मैनू मैनू याद, याद 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 बहुत बहुत आंदी आंदी ए, ए, तू तू मैनू मैनू याद 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 बहुत बहुत आंदी आंदी ए। ए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक मैम। आप दोनों बिल्कुल ऐसे बैठे ना जैसे एकदम एक ही पोज पे। अच्छा हम लोगों का फेस हाँ हाँ व्यूअर्स, मतलब अच्छा फेस भी काफी कुछ मिलता है ऐसा लोगों ने बोला है। हाँ मतलब अभी क्या हुआ, हाँ अगला फीचरिंग साथ में ही जाएंगे दोनों। है ना, हाँ सेशंस। आज आपने दिन चुना है आर डी बर्मन साहब का, जो यू नो 100 साल पूरे हुए उनके बर्थ सेलिब्रेशन के, तो आज ही का दिन क्यों? असली कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम ये गाना बना रहे थे तो जब गाना कहते हैं कि प्रोडक्शन में था तो एक सजेशन वन ऑफ आर फ्रेंड नीरज का था कि इसको चूंकि मानसून का सॉन्ग है तो मानसून पे रिलीज़ करना है। पर हमें अभी 10 दिन पहले ही जब ये आई वॉज सेटिंग इन वन ऑफ द रेडियोज तो वहाँ पर पता लगा कि 27th बेसिकली इज़ द एनिवर्सरी ईयर ऑफ आडिदा। और चूंकि मेलेडी गाना बहुत ही मेलेडियस था और आडिदा बेसिकली आप कह सकते हैं कि मेलेडी में अगर बहुत अच्छा और बड़ा ही क्लासिफाइड वर्क किया है तो आडिदा ने किया है, तो इससे बढ़िया दिन मिल नहीं सकता था। और हमने सोचा कि 27th को ही रिलीज़ करते हैं, एंड लकीली सब चीज़ें वी गॉट सेंसर यस्टरडे और आज ही ये गाना शुरू हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स हैं दादा की, इतने पुण्य दिन के ऊपर ये रिलीज़ हुआ है तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। तो बारिश की बूंदें की मानसून एंथम है आपका, बारिश के बहाने भी जो बब्बू मान साहब के साथ था वो काफी हिट हुआ, तो बारिश और मानसून से क्या कनेक्ट है खास कि हर हर सीजन में गाना आप रिलीज करते हैं? सी बारिश इज ऑल अबाउट म्यूजिक। मानसून जब आता है तो आप देखते होंगे कि आपको कुछ जिनको आप चाहते हैं आप उनके साथ रहना चाहते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और म्यूजिक सुनना चाहते हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब करना चाहते हैं। इस मौसम में ये कह सकते हैं कि बारिशें आपका एक अच्छा मूड स्विंग कर देती हैं। और बारिश पे जब मैंने बब्बूजी के साथ ये गाना रिलीज़ किया था बारिश के बहाने, तो जो भी फैंस थे, म्यूजिक फैंस थे, उनका एक ये था कि आप हर साल बारिश पे एक गाना करें। लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड इट आउट, बट दिस ईयर बारिश की बूंदें जैसे ही रिलीज हुआ है आप देखें कि इसका रिस्पांस इतना अच्छा है। हमने अभी कुछ देर पहले ही रिलीज किया है और सब तरफ इसका शेयरिंग हो रहा है, लोग दिल से गाने को चाह रहे हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसके साथ प्लस हैं, एक तो मेलेडी है, दूसरा ये वेदर इतना खूबसूरत है कि जो गाने के बोल हैं तू मैंने याद याद बहुत ऑन दिए, यानी कि आप जिसको भी मिस करते हैं उसको इस मौसम में बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बारिश के बहाने के बाद बारिश की बूंदें एक उसमें प्लस है, एक सिकल है। और अभी देखते हैं, अभी तो रिलीज ही हुआ है तो जैसा रिस्पॉन्स है ये गाना लोगों तक पहुंच रहा है तो बहुत पसंद आना भी चाहिए क्योंकि हमने बड़े दिल से बनाया है इसको। राजीव जी, आपका ये गाना है शेजवुड के साथ पहला, और बहुत बहुत ब्यूटीफुली बहुत बड़े कैनवस पे पिक्चराइज किया है, प्रोडक्शन वाली बहुत अच्छी है, तो कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया आपने गाना? मेरे लिए बड़ा इजी हो गया था ना, म्यूजिक एल्बम में 90% हिस्सा होता है संगीत का और गीत का। जब संगीत और गीत हमने सुना तो 90% तो मैं प्लस हो चुका था,
10% मुझे करना था जो मैंने किया है, तो 90% योगदान सेजवुड साहब ने पहले ही अच्छा गीत और अच्छा संगीत करके दे दिया था। तो जब प्लानिंग की तो कैसे, बिकॉज़ हमने इवन शेजवुड की एक नई लुक देखी है वीडियो में, बड़ा इजी प्लानिंग। जब मैंने सॉन्ग सुना तो जनरली होता क्या, फिल्म का सॉन्ग होता है उसमें गीत कहानी को और डायरेक्टर के काम को सपोर्ट करता है। म्यूजिक एल्बम का जो गीत होता है वो गीत और संगीत अपने आप में 90% सक्सेस हो जाता है। अगर गीत और संगीत अच्छा है तो डायरेक्टर का काम बड़ा इजी हो जाता है। जब मैंने संगीत सुना तो मैंने बोला कि मेरे लिए तो बड़ा इजी है इस चीज़ को सक्सेस पहुंचाना कम मेहनत में। सेजवुड सर, आपसे जानना चाहूँगा, बारिश की कोई अगर मेमोरी हो अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि सॉन्ग ये बारिश पर है, अगर आप दोनों की अगर कोई मेमोरी हो अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जी, मेमोरी जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ हुआ था, मेरा पहला गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था मेरे पिया गए रंगून, उसके बाद जो रेंज आई थी तब मैं बॉम्बे में प्रॉपर शिफ्ट हुआ था। मैंने उस रेंज को इतना एंजॉय किया था और उस टाइम जगजीत सिंह साहब के कुछ बारिश की एल्बम आई थी उसको सुन रहा था लोग, क्योंकि उस टाइम मैंने पॉप में डेब्यू किया था तो ज़्यादातर जो म्यूज़िक लवर्स थे वो मेरे से पॉप ही एक्सपेक्ट करते थे, तो तब तक तो मैं बारिश पर कुछ नहीं कर पाया। बट ऑफ कोर्स जब मुझे चांस लगा मैंने बारिश के बहाने किया और बारिश की बूंदें किया। सर, आप बारिश का एक्सपीरियंस, कुछ विशेष एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं रहा सर। मैंने सॉन्ग अच्छा सुना, कोई मेमोरीज है अगर बारिश से? ऐसा कोई मेमोरीज नहीं है। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप बहुत सारे गाने बनाते हैं और उसमें फीचर भी करते हैं, तो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ईजी है? सी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहता है म्यूज़िक करना, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ म्यूज़िक को। और इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो सिंगिंग, मैंने इस बार प्रॉपर सिंगिंग पूरा सिंगल ही गाया है, थोड़ा वो मेरे लिए इस बार डिफिकल्ट था क्योंकि मैं फुल टाइम सिंगर नहीं हूँ। बट हाँ, बिकॉज वी बिलोंग्स टू दिस म्यूजिक फ्रेटर्निटी, तो वी नो जब सिंगर से हम लोग गाने गवाते हैं कि वो कैसे होता है, तो वो प्रोसेस तो पड़ता। पर हाँ, सिंगिंग करने के लिए आपको प्रॉपर रियाज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पर इस गाने को गाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। एंड थर्ड चैलेंजिंग था, आप कह सकते हैं कि फीचर होना। फीचर होने में ये चैलेंज था कि राजीव जी ने एक स्टोरी कंसीव किया हुआ था, तो उसके लिए एक एक्टर की ज़रूरत थी। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तो चूंकि मैंने गाना गाया भी था तो उसको मैं बहुत अच्छे से कह सकते हैं इंटरलाइज किया हुआ था, तो फीचरिंग करने में चैलेंज था। बट गॉड इज काइंड कि मुझे जब मैं कैमरा फेस कर रहा था तो सडनली एक बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया और ये गाना बहुत ही एक अच्छे स्पिरिट में शूट हुआ। तो बहुत चैलेंजिंग मेरे लिए शायद सिंगिंग रही। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। जब पहली बार सेजवुड साहब के साथ मैंने फेस पे मेकअप लगा के कैमरे के सामने लाया तो मैं बड़ा डरा हुआ था कि एक संगीतकार से एक्टिंग मैं कैसे करा पाऊँगा। शूटिंग की वेरी नेक्स्ट डे सैटरडे था, हम लोग किसी रिसोर्ट में शूट कर रहे थे और वेरी नेक्स्ट डे से रिसोर्ट में इतनी भीड़ हो जाती कि हम शूटिंग नहीं कर सकते, तो मेरे पास कम समय था काम को कम्प्लीट करने के लिए। मन में एक डर था कि एक संगीतकार से एक गीतकार से एक्टिंग करवाना कहीं समय ज़्यादा ना लग जाए। लेकिन जैसे ही पहला मैंने एक्शन बोला तो सेजवुड साहब ने इतने कंफर्ट जोन में काम करना शुरू किया, तो मैंने इनके कान में धीरे से जाके बोला कि आप आगे भविष्य में भी अपनी इस कला को दर्शकों तक दिखाते रहिए।